नमस्ते बच्चों, तो आज हम पढ़ेंगे लेक्चर नंबर 22, जो हमारा क्या है, ट्रंकिंग एंड ग्रेड ऑफ सर्विस। ट्रंकिंग एंड ग्रेड ऑफ सर्विस। तो ट्रंकिंग एंड ग्रेड ऑफ सर्विस में मैं आपको बता देता हूँ बेटा कि क्या होती है ट्रंकिंग और क्या होती है ग्रेड ऑफ सर्विस। तो एक जीएसएम में नॉर्मली कितने यूजर काम कर पा रहे हैं एक टावर के अंडर में, वो हमारी ट्रंकिंग ग्रेड ऑफ सर्विस कहलाती है। जैसे मैं आपको बताता हूं कि लार्ज नंबर ऑफ यूजर्स को एक लिमिटेड स्पेक्ट्रम में अकोमोडेट कराना, जैसे एक टावर के अंडर में कितने नंबर ऑफ यूजर्स काम कर पाएंगे एट ए टाइम, उसको हम कहते हैं ट्रंकिंग। उसको हम क्या कहते हैं, ट्रंकिंग। और ग्रेड ऑफ सर्विस क्या है कि ज्यादा यूजर दे दोगे तो सर्विस की क्वालिटी गिर जाएगी, डेफिनेटली बात है। तो ग्रेड ऑफ सर्विस ये होती है कि क्वालिटी ऑफ सर्विस को मेंटेन रखते हुए लार्ज नंबर ऑफ यूजर्स को अकोमोडेट कराना किसी स्पेक्ट्रम में, वो हमारी ट्रंकिंग कहलाती है। तो ट्रंकिंग का कॉन्सेप्ट क्या करता है, मान लो जैसे आपकी एक सड़क है, तो एक सड़क पे जैसे आप बोलते हो ना 6 लेन हाईवे बनाना है, 4 लेन हाईवे बनाना है, तो कितने नंबर ऑफ यूजर्स उस हाईवे से गुजरते हैं एट ए टाइम, इस पर डिपेंड करता है। और आप कितने नंबर ऑफ यूजर्स एकोमोडेट कराओगे उस पर डिपेंड करता है। तो लार्ज नंबर ऑफ यूजर्स को एक स्मॉल नंबर ऑफ चैनल, जैसे एक टावर है, एक टावर पे हमने देखा था कि पहले तो हमने क्या देखा था, हमने देखा था कि इतनी बड़ी सब बैंडविड्थ थी, इतनी बड़ी बैंडविड्थ थी, इसको हमने सब बैंड में बांटा था एफडीएमए से, ऐसे करके जैसे ये सब बैंड बांट दिए, ये हमने सब बैंड बांट दिए थे, ठीक है, ये एक सब बैंड हो गया, ये दूसरा सब बैंड हो गया, बीच में गार्ड बैंड भी होता है, वो चीज आप समझ लेना। और ये हमने किसको दे दिया, टावर को दे दिया, एक सब बैंड हमने टावर को दे दिया, ये वाला सब बैंड भी हमने टावर को दे दिया, ऐसे एक सब बैंड था जो हमने अगले टावर को दिया है, जैसे ये वाला सब बैंड था जो हमने इस वाले टावर को दिया है, लास्ट वाला। अब इस टावर के अंडर में दो सब बैंड मिले हैं, तो एक सब बैंड आप कौन से कितने यूजर्स को अकोमोडेट कर पाएगा, एक सब बैंड कितने यूजर्स को अकोमोडेट कर पाएगा, ये इसकी ट्रंकिंग सर्विस है, ठीक है। तो ये है ट्रंकिंग में हर यूजर को एक चैनल अलोकेट करा जाता है, मतलब एक टाइम स्लॉट करा जाता है पर कॉल के हिसाब से, मतलब जैसे उसे एक कॉल करनी है तो टाइम चैनल दे दिया, फिर ले लिया वापस, ठीक है। तो मतलब जैसे उसकी कॉल टर्मिनेट होगी, उससे वो जो ऑक्यूपाइड चैनल था वो वापस ले लिया जाएगा और वापस हमारे पूल में आ जाएगा, मतलब हमारे पास में जो टोटल अवेलेबल चैनल थे वो वापस उतने ही हो जाएंगे। तो टेलीफोन कंपनी ट्रंकिंग थ्योरी को अप्लाई करती है कि कितने नंबर ऑफ यूजर्स एट ए टाइम काम कर सकते हैं। तो जैसे हमें पता है कि एक सर्किट अलोकेट करा जाता है बिल्डिंग के लिए कि 100 टेलीफोन है, ऐसे ही सेलुलर में भी लगाया जाता है कि कितने सर्किट हमें बनाने हैं। अब इस चीज के लिए हमें पहले लोड पता लगाना पड़ता है कि पीक कॉलिंग टाइम पे कितने सर्किट अवेलेबल कराने पड़ेंगे पीक टाइम पे, जैसे शाम को कॉल ज्यादा होती है, 6 से 7 पे लोड ज्यादा होता है, तो अकॉर्डिंग टू लोड हम डिसाइड करते हैं कि कितने नंबर ऑफ चैनल हमें देने हैं। तो जैसे ही फोन लाइन डिक्रीज होती है, हम जानते हैं सारे सर्किट्स बिजी हो जाते हैं पर्टिकुलर यूजर के लिए। ऐसे ही मोबाइल सिस्टम में क्या होता है, जब कोई यूजर रिक्वेस्ट करता है तो सारे रेडियो चैनल रेडी हैं, सारे रेडियो चैनल रेडी हैं उसको अलॉट होने के लिए। पर मान लो अगर कोई कॉल कर रहा है और रेडियो चैनल अवेलेबल नहीं है तो उसकी कॉल ब्लॉक्ड हो जाती है या डिनाइड हो जाती है, राइट है, उसकी कॉल को या तो ब्लॉक कर दिया जाता है या डिनाइड कर दिया जाता है, इसलिए आपको सुनाई देता है नेटवर्क इज बिजी। पर कुछ सिस्टम में होता है क्यू में डाल दिया जाता है, क्यू में, कि जब तक चैनल अवेलेबल नहीं हो आप कतार में खड़े हो जाए, राइट है। तो इसी यूनिट को हम कहते हैं कि टोटल नंबर ऑफ सब्सक्राइबर कितने होंगे, वो रिप्रेजेंट होता है एरलांग में, एरलांग। तो एरलांग क्या रिप्रेजेंट करता है कि कितनी ट्रैफिक इंटेंसिटी एक चैनल पे चल सकती है जब पूरा का पूरा चैनल ऑक्यूपाइड है, मतलब 1 कॉल पर मिनट, 1 घंटे में कितनी कॉल हो रही है,
या वन कॉल पर मिनट, वन आवर अपन ये बोलते हैं। जैसे एक रेडियो चैनल है वो 30 मिनट्स के लिए ऑक्यूपाइड हो रहा है, मतलब एक बंदा 30 मिनट्स के लिए बातें कर रहा है, तो उसकी हेडलाइन ट्रैफिक कितनी हो गई आधी। तो मान लो 24 घंटे बात करा सकता है एक टावर आपको, 24 घंटे बात करा सकता है एक दिन में, तो उसकी कितनी हो गई हेडलाइन 12 कॉल उस पर चल सकती, 12 बंदों की कॉल हो सकती है उस पर अगर आधे घंटे के हिसाब से चलाए। दो ग्रेड ऑफ सर्विस मैंने क्या बताया, बिजी ओवर में, बिजी ओवर में जो पीक लोड है उसमें क्वालिटी को मेंटेन करते हुए किसी यूजर को सिस्टम एक्सेस करने दे रहे हो तो वो ग्रेड ऑफ सर्विस है। बिजी ओवर डिपेंड करते हैं कस्टमर की डिमांड पे, नॉर्मली वीकेंड पे होता है, 4 से 6 होता है रश के टाइम में, थर्सडे फ्राइडे की इवनिंग में होता है, या सैटरडे वीकेंड के अंदर संडे को ज़्यादा लोड होता है, तो ये बिजी ओवर होता है। तो ग्रेड ऑफ सर्विस किसी पर्टिकुलर ट्रंकिंग सिस्टम की परफॉर्मेंस को डिसाइड करती है अपॉन नंबर ऑफ चैनल, नंबर ऑफ चैनल्स के हिसाब से कि कितने नंबर ऑफ चैनल्स हैं और क्वालिटी मुझे देनी है, राइट। तो ट्रंकिंग सर्विस ये कहती है कि आपको रिक्वायर्ड कैपेसिटी एस्टिमेट करनी है कि हम कितने चैनल्स दें। तो जैसे मान लो एक रेडियो चैनल है वो 30 मिनट के लिए ऑक्यूपाइड हो रहा है, तो उसका हेडलाइन कितना हो गया 0.5। अब मानते हैं कि हर यूज़र जो ट्रैफिक इंटेंसिटी ऑफर्ड हो रही है, कि हर यूज़र क्या करता है, एक ट्रैफिक इंटेंसिटी जनरेट करता है, हर यूज़र ट्रैफिक इंटेंसिटी जनरेट करता है A=λH, जहाँ H क्या है उसकी एवरेज ड्यूरेशन कॉल करने की, और लेमडा क्या है एवरेज नंबर ऑफ कॉल रिक्वेस्ट। एच तो है एवरेज ड्यूरेशन ऑफ ए कॉल की कॉल कितनी देर चलेगी, और लैम्डा क्या है उस दौरान कितनी कॉल रिक्वेस्ट आई। तो मान लो टोटल यूजर्स से, तो टोटल ट्रैफिक इंटेंसिटी कितनी हो जाएगी यूए, डेफिनेटली बात है ये तो एक बंदे के लिए थी, ये तो एक बंदे के लिए थी, और ये टोटल यू बंदों के लिए हो गई किसी सिस्टम में। अब सेटअप टाइम क्या होता है, एक बंदा रिक्वेस्ट कर रहा है, उस रिक्वेस्ट को टाइम अलोकेट कर, जो टाइम लगता है उस रिक्वेस्ट को पूरा करने में और उसको चैनल देने में, वो सेटअप टाइम होता है। ब्लॉक्ड कॉल क्या होता है कि मान लो उसकी रिक्वेस्ट आई पर हम उसकी रिक्वेस्ट को पूरा नहीं कर पाए ड्यू टू कंजेशन या नेटवर्क, तो उसे कहते हैं ब्लॉक कॉल या लॉस्ट कॉल। होल्डिंग टाइम क्या होता है, ये है कि एक बंदा जब कॉल कर रहा है तो वो कितनी देर के लिए उस चैनल को रख रहा है, मतलब उस वो कितनी देर के लिए कॉल कर रहा है, उसको कहते हैं होल्डिंग टाइम। ट्रैफिक इंटेंसिटी क्या होता है, जो कि हेडलाइन में नापी जाती है कि कितना चैनल, एक चैनल कितनी देर यूटिलाइज हो रहा है, तो एवरेज चैनल ऑक्यूपेंसी टाइम निकाला जाता है हेडलाइन में। लोड क्या होता है कि पूरे रेडियो सिस्टम में टोटल ट्रैफिक इंटेंसिटी कितनी चल रही है। ट्रैफिक इंटेंसिटी मैंने क्या बोला, ट्रैफिक इंटेंसिटी मैंने बोला कि एक चैनल को कितनी देर यूटिलाइज करा जा रहा है, दैट इज कॉल्ड ट्रैफिक इंटेंसिटी, जो कि हेडलाइन में नापी जाती है। जैसे मैंने बताया था आधा घंटा पर मिनट, आधा घंटा पर वो पर कॉल है कि एक कॉल आधे घंटे के लिए चलेगी, तो मतलब एक चैनल आधे घंटे के लिए चल रहा है। तो लोड भी यही होता है कि टोटल ट्रैफिक इंटेंसिटी पूरे रेडियो सिस्टम में कितनी चल रही है। ग्रेड ऑफ सर्विस क्या है, ग्रेड ऑफ सर्विस यही है कि हम प्रोबेबिलिटी निकालते हैं, प्रोबेबिलिटी निकालते हैं एक कि कितनी कॉल ब्लॉक हुई कंजेशन की वजह से, या कितनी कॉल डिले हुई। अगर कंजेशन की वजह से कॉल ब्लॉक हो रही तो हेडलाइन बी टेबल लगती है, और प्रोबेबिलिटी निकालते हैं हम कि कितनी कॉल डिले हो सकती हैं, तो वो हेडलाइन सी से निकाली जाती है। रिक्वेस्ट रेट क्या होती है कि कितने रिक्वेस्ट आ रही है एक यूनिट टाइम में, मानो एक सी चैनल, टोटल चैनल जो है वो सी हैं और ट्रैफिक इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तो ट्रैफिक इंटेंसिटी होगी के ए अपॉन सी जो अपन ने अभी अभी निकाला। अब अगर मान लो ट्रैफिक इस मैक्सिमम कैपेसिटी से भी अबव हो जाता है, मैक्सिमम कैपेसिटी से भी अबव हो जाता है, राइट, क्योंकि हमारे पास में तो लिमिटेड है ट्रैफिक, लिमिटेड कैपेसिटी है,
तो एएमपीएस जो पुराना वाला एनालॉग सर्विस थी उसमें 2% ब्लॉकिंग होती थी। 2% ब्लॉकिंग का मतलब है 100 कॉल में से 2 कॉल ब्लॉक हो जाएंगी, क्योंकि चैनल बहुत ऑक्यूपाइड है, चैनल हमारे पास लिमिटेड्स हैं। लिमिटेड चैनल की वजह से 100 में से 2 कॉल ब्लॉक होती थी बिजी आवर में। ठीक है, अब हर यूजर जो सर्विस चाहता है वो मान के चलता है कि मेरा कोई सेटअप टाइम नहीं लगेगा, मेरे को चैनल तुरंत मिल जाएगा। ठीक है, पर अगर यूजर को चैनल नहीं मिल पाता है तो वो यूजर ब्लॉक्ड हो जाता है और उसको दोबारा कॉल करनी पड़ती है। इस टाइप को ट्रंकिंग को कहते हैं ब्लॉक्ड कॉल। ठीक है, ब्लॉक्ड कॉल। अब मान लो इन्फाइनाइट नंबर ऑफ यूजर्स हैं, ठीक है, इन्फाइनाइट नंबर ऑफ यूजर्स हैं, तो हर यूजर में, अब इन्फाइनाइट नंबर ऑफ यूजर का मतलब है सारे यूजर रिक्वेस्ट भेज रहे हैं, तो उस इन्फाइनाइट नंबर ऑफ यूजर में कुछ ब्लॉक्ड यूजर भी होंगे, क्योंकि लिमिटेड कैपेसिटी है, तो हर जने को तो अपन नहीं दे सकते ना। और कितने यूजरों को अपन चैनल दे पाएंगे उसका जो प्रोबेबिलिटी निकाली जाती है वो एक्सपोनेंशियली डिस्ट्रीब्यूटेड होती है। और कितने नंबर ऑफ यूजर हैं जिनकी कॉल लंबी चलेगी उसका भी एक एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन होता है। और कितने नंबर ऑफ चैनल्स अभी अवेलेबल हैं, तो अपन ये सारी चीज़ें देखी जाती है। जैसे मान लो इन्फाइनाइट नंबर ऑफ यूजर्स हैं जिसमें ब्लॉक्ड यूजर भी हैं, वो वाले यूजर भी हैं जिनको अभी कॉल चल रही है उनका एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन निकाला जाता है, वो वाले यूजर भी हैं जिनको चैनल देना है उनका डिस्ट्रीब्यूशन निकाला जाता है, टोटल चैनल्स हमारे पास में कितने अवेलेबल हैं उनका भी डिस्ट्रीब्यूशन निकाला जाता है। तो इस तरीके से एक MM बाय क्यूइंग थ्योरी लगती है पूरा चीज निकालने के लिए, और जो कि एयरलाइन बी में डिसाइडेड होती है। अब आप क्या हो गए, एयरलाइन बी क्या है, ये रही एयरलाइन बी। तो हम कहते हैं कि ग्रेड ऑफ सर्विस क्या होती है, कि कितनी प्रोबेबिलिटी है ब्लॉक होने की वो हम देखते हैं, कितनी प्रोबेबिलिटी है ब्लॉक होने की वो हम देखते हैं। सी हमारा टोटल नंबर ऑफ चैनल थे, डेफिनेटली बात है एक रेडियो सिस्टम कितने चैनल दे रहा है। ए हमारा टोटल ट्रैफिक है, ठीक है, ए हमारा टोटल ट्रैफिक है। के हमारे यूजर्स हैं, के हमारे क्या हैं, यूजर्स हैं, तो ग्रेड ऑफ सर्विस कहलाती है ए की पावर सी अपॉन फैक्टोरियल सी, और के इक्वल टू 0 to C ए की पावर के अपॉन फैक्टोरियल के। ये हमारी ग्रेड ऑफ सर्विस है, प्रोबेबिलिटी है किसकी, ब्लॉक होने की, ब्लॉक होने। और ये एलांग बी टेबल है, और सेकंड टाइप जो ट्रंक सिस्टम है उसमें क्या होता है, क्यू प्रोवाइड करा दी जाती है। क्यू मतलब डिले होता है, ब्लॉक्ड नहीं होगा कॉल, डिले हो जाएगा। ठीक है, जब वो रिक्वेस्ट भेजता है और चैनल खाली नहीं है तो उसकी कॉल को ब्लॉक मत करो, टर्मिनेट मत करो, उसको क्या कर दो, डिले कर दो, उसको वेटिंग में डाल दो। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ वेटिंग ये है जो कि एलंग सी से निकलती है। ठीक है, जैसे मान लो एक अर्बन एरिया में 2 मिलियन पॉपुलेशन थी, अब इसमें 3 सेलुलर सर्विस एरिया हैं, सिस्टम ए में 394 सेल हैं, 19 चैनल अलॉट होते हैं एक को, सिस्टम बी में 98 सेल हैं, 57 चैनल अलॉट होते हैं एक सेल को, एक सेल को, सिस्टम सी में 49 सेल हैं और हर सेल को 100 चैनल होते हैं। तो हमें नंबर ऑफ यूजर निकालने हैं कि 2% ब्लॉक हुए और हर यूजर 2 कॉल 1 घंटे में कर रहा है, मतलब एवरेज कॉल जो है, और 2 कॉल 1 घंटे में करेगा, और कितनी देर करेगा, 3 मिनट करेगा, 3 मिनट की कॉल करेगा वो, 2 कॉल 1 घंटे में हर यूजर करता है। 2% ब्लॉकिंग के साथ हमें टोटल नंबर ऑफ यूजर्स निकालने हैं कितने सपोर्टेड होंगे, तो हम देखते हैं कैसे निकलेगा। हमें पता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लॉकिंग 2.02 है, डेफिनेटिव बात है। नंबर ऑफ चैनल्स पर सेल कितने हैं, 19, तो ए बराबर लेमडा एच बताया था मैंने, ए बराबर लेमडा एच, पहले जो ट्रैफिक इंटेंसिटी बताओ यूजर की, पर यूजर की, तो ए यू बराबर लेमडा एच, लेमडा कितना है, 2, राइट, और एच क्या है, 3/7, क्योंकि तो वो 3 मिनट की बातें कर रहा है, 2 कॉल कर रहा है, 3 मिनट की बातें कर रहा है, तो 0.1 एलांग हो गया हमारा एक यूजर की इंटेंसिटी। अब हम एलांग बी चार्ट में से देखते हैं कि ग्रेड ऑफ सर्विस 0.02 और 19 चैनल के हिसाब से टोटल ट्रैफिक कितना आता है, 12 एलांग,
12 एयरलाइन का, तो कितने यूजर सपोर्ट हो जाएंगे, 12/0.1, 120 एक सेल में, और टोटल सेल कितने हैं 394, तो 120 × 394 इतने यूजर एट ए टाइम कॉल कर सकता है, सिस्टम ए सपोर्ट कर सकता है। अब आता है दूसरा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लॉकिंग कितना है 0.02, उसमें कितने चैनल हैं 57, वही 2.1, ग्रेड ऑफ सर्विस बी चार्ज से हमने 45 एडलांग देख लिया, तो 45/450, और 450 में 98 सेल थे तो 44। तो इस तरीके से हम निकालेंगे ग्रेड ऑफ सर्विस, ठीक है, समझ आ गया। तो पहले आप ब्लॉकिंग के प्रोबेबिलिटी निकाल लो, ब्लॉकिंग प्रोबेबिलिटी के बाद में ट्रैफिक इंटेंसिटी निकाल लो, ट्रैफिक इंटेंसिटी से एडलांग निकाल लो, फिर आप ये देखो टोटल चैनल्स कितने हैं, टोटल वो एडलांग बी चार से आप टोटल एडलांग देख लो, और टोटल एडलांग से टोटल नंबर ऑफ यूजर्स निकाल लो, और फिर जितने चैनल हैं उससे नंबर ऑफ यूजर्स को मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। थैंक यू।